हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं नीट एनालिसिस 2021, जो कि अभी 12 सितंबर को एग्जाम हुआ था। आज हम इस देखेंगे इस एनालिसिस में कि कौन कौन से एग्जाम्स में कितना किस लेवल का क्वेश्चन आया था, किस लेवल का टफ क्वेश्चन था, कितने क्वेश्चन किसमें थे, ये सारी बातों का डिस्कशन आज हम आपके सामने रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नीट एनालिसिस को। सबसे पहले अगर मैं एक बेसिक सी बात देखूं, जो एक बहुत अच्छा ट्रेंड ऑब्जर्व होने को मिल रहा है, अगर आप ये देखते हैं कि जो ईयर बाय ईयर है बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट टूवर्ड नीट इंक्रीज कर रहा है। आप देख सकते हैं, अगर आप 2018 में देखेंगे तो हमारे पास अप्रोक्स 13 लाख बच्चे बैठे थे। 2019 में ये 14 अप्रोक्स हो गया, ये 2020 में 15 हो गया, और आप देखिए 2016 में 16 लाख बच्चे हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये कंपटीशन डे बाय डे हमारा इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कट ऑफ पे जरूर इंपैक्ट आने वाला है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो ये हमारे देश में डॉक्टर बनने की जो चाह है, जो रूह है, वो बढ़ रही है। अच्छी बात है, हमारे देश को अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, दैट्स वेरी नाइस। आपके सामने पेपर एनालिसिस के बारे में बात करता हूं, तो अगर मैं आपसे केमिस्ट्री के बारे में बात करता हूं, तो जो केमिस्ट्री का जो पेपर आया था वो कंसेप्चुअल बेस्ड पेपर था। बहुत सारे क्वेश्चन में बस आपको सिर्फ फॉर्मूले पुट करने थे और आपको आंसर लाना था। ठीक है, और सबसे अच्छी बात, जो टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट बात थी, कि जो पेपर बन रहा था वो प्योर एनसीईआरटी का बना था, ना ज्यादा आगे ना ज्यादा पीछे किया था। एक आध क्वेश्चन हमेशा वेरिएशन आते ही हैं, वो आए भी थे। यही बात अगर आप फिजिक्स में देखते हो, तो फिजिक्स की एक बात जो हमने हमारी टीम ने ऑब्जर्व की, वो ये ऑब्जर्व की कि फिजिक्स पेपर सिंपल तो था लेकिन थोड़ा सा लेंदी था। जो बच्चों से आफ्टर डिस्कशन हुआ, जो बहुत सारे बच्चों से बात हुई, उनसे ये पता चला कि जब बच्चे फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे तो आखिरी में फिजिक्स का पेपर बहुत बहुत लेंदी होने की वजह से बहुत बच्चों का पेपर छूट गया, या आते आते क्वेश्चन बच्चे इसलिए नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन इसकी लेंदी थी। ओवरऑल फिजिक्स का पेपर मॉडरेट था, एक आध क्वेश्चन हर बार डिफिकल्ट आता है, फिजिक्स में आया भी था। नेक्स्ट, वन ऑफ द बैकबोन ऑफ द नीट, दैट इज बायोलॉजी, इसमें बॉटनी एंड जूलॉजी। इस बार आपको पता है 50-50 क्वेश्चन आने थे। उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप जूलॉजी और बॉटनी में देखेंगे तो इसमें भी एवरेज क्वेश्चन आए, मॉडरेट क्वेश्चन आए, और हमारी टीम ने जो एनालिसिस किया वो सबसे अच्छी बात कि पूरा पेपर टू द पॉइंट एनसीईआरटी का था, एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। अगर आपने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ी होगी तो आप ऑब्जर्व करोगे कि बहुत प्यारा पेपर बनाया था, थैंक्स टू एनटीए रिगार्डिंग दिस, कि उन्होंने पेपर को डाइवर्ट नहीं किया। हाँ, जिस बच्चे ने अगर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो उसका डेफिनेट श्योर है कि इसका रिजल्ट आना ही आना है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप कंक्लूजन निकालेंगे तो सब में कॉमन बात क्या निकल रही है कि पेपर ओवरऑल एनसीईआरटी बेस्ड था, पेपर एनसीईआरटी से डाइवर्ट नहीं हुआ एज पर रूल, एज पर एनटीए, जो हमेशा होता है कि पेपर एनसीईआरटी बेस्ड बनता है, हमको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो आइए अब अपन लोग ओवरऑल एनालिसिस देख लेते हैं कि क्लास 11 से और क्लास 12 से कितने क्वेश्चंस आए थे। तो एक मैं कहूंगा, या हमारी टीम का भी ये कंक्लूजन निकला कि अगर हमारे पास 200 क्वेश्चन थे तो इन्होंने 12th की जो वेटेज है वो एज कंपेरिजन टू 11th जो है ज्यादा रखी थी। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि 11th आपको नहीं पढ़नी चाहिए, बट हमारे हिसाब से आपकी बैलेंसिंग होनी चाहिए, जो कि मुझे हल्की सी खटकी यहाँ पे, मुझे लगा कि बैलेंसिंग उतनी नहीं है, इन्होंने 12th का वेटेज 11th के कंपेरिजन में ज्यादा कर लिया। ठीक है, चूंकि अपना अपना तरीका है, पेपर का ट्रेंड हमेशा चेंज होता रहता है, ट्विस्ट होना चाहिए। इस बार भी कुछ नया ट्विस्ट था, और ये ट्विस्ट था कि आपका क्लास 12th को उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए थे एज कंपेयर्ड टू क्लास 11th। चलिए ओवरऑल डिफिकल्टी के बारे में बात करता हूं, तो हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी चार सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं क्वेश्चन देखता हूं फिजिक्स के लिए, तो इजी क्वेश्चन हमारे पास 25 थे, मीडियम क्वेश्चन 23 थे, और डिफिकल्ट क्वेश्चन 2 थे। अगर आप यहां पे फिजिक्स पे मीडियम क्वेश्चन की बात करोगे तो जो हमने 23 क्वेश्चन को मीडियम में रखा है, उसका हमारा मेन मोटिव बस ये रहा कि वहां पे जो क्वेश्चन के जो न्यूमेरिकल्स थे वो न्यूमेरिकल्स थोड़े से लेंदी थे, इस वजह से बच्चों को डिफिकल्टी आई। इसी वजह से जो मैंने आपसे कहा कि एट द एंड जब बच्चे ने फिजिक्स लास्ट में किया तो उनको क्वेश्चन को शायद कहीं किसी बच्चे को छोड़ना पड़ गया, या किसी बच्चे को के क्वेश्चन आते हुए भी उनका जल्दीबाजी में रॉन्ग हो गया। ठीक है, केमिस्ट्री के साथ ठीक ठीक रहा, इजी 20 थे, मीडियम 22 थे, डिफिकल्ट उन्होंने 8 क्वेश्चन कर दिए।
डिफिकल्ट क्वेश्चन में केमिस्ट्री में कुछ न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन थे, कुछ एकाध क्वेश्चन एकदम कंसेप्चुअल थे। अभी हम डिस्कशन भी करेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे कंसेप्चुअल थे जो कि एक्चुअली अगर आपको डाटा नहीं याद होगा तो यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन, इस वजह से हमने उसको डिफिकल्टी में डाला। रिगार्डिंग द बायो एनर्जोलॉजी बॉटनी एनर्जोलॉजी सॉरी फॉर दिस, हमारे पास इजी क्वेश्चन 30 थे, मीडियम 17 थे और डिफिकल्ट 3 क्वेश्चन थे। हाँ, एक बहुत अच्छी बात ऑब्जर्व हुई कि अगर आप बॉटनी को जॉलजी से कंपेयर करते हो तो जॉलजी इस बार पहले से टफ आई है। इस बार जॉलजी में आपके डिफिकल्टीज में 11 क्वेश्चन हैं और बॉटनी में सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं। ओके, इजी मीडियम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोनों में सेम है। ओवरऑल बच्चों से एनालिसिस करने पर, ये सब स्टडी करने पर, ये सब पाया कि भाई बॉटनी में जो आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं अगर आप इजी लेवल पे देखते हो तो ज्यादा क्वेश्चन बॉटनी के थे। अब अपन लोग ओवरऑल अगर मैं केमिस्ट्री के एनालिसिस की बात कर रहा हूं एज अ केमिस्ट्री टीचर, तो जो हमने ऑब्जर्व किया वो ये कि भाई 11th का परसेंटेज इस बार कम है और 12th का परसेंटेज ज्यादा है। 11th का परसेंटेज 36% आया और 12th का 64% आया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 11th का इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है और 12th के क्वेश्चन आप देख सकते हैं ज्यादा हैं। सेम एज अगर मैं केमिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड करता हूं, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में उन्होंने 16 क्वेश्चन दिए थे, इनऑर्गेनिक में 17 क्वेश्चन थे एंड ऑर्गेनिक में आपके 17 क्वेश्चन थे। ऑर्गेनिक में कुछ क्वेश्चन क्लास 11th और 12th मर्ज थे, इसलिए हो सकता है कि आप 16 या 17 बोलो। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जैसे एक क्वेश्चन सेट्जेफ रूल पे आया था, सेट्जेफ में आप इसको 11th में भी पढ़ते हो, हम इसको 12th में पढ़ते हैं, ऐसे ही रिएक्शन मैकेनिज्म का हिस्सा है। तो आप कह सकते हो कि ऑर्गेनिक के हमारे पास 17 क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक के आपके पास 17 एंड फिजिकल के आपके 16 क्वेश्चन थे। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल अगर मैं बहुत बड़ी बात कंपेयर करने जा रहा हूं, दैट इज अगर मैं 2020 से इसका कंपेयर करता हूं तो आप देख सकते हैं कि डिफिकल्टी लेवल केमिस्ट्री में पहले से बढ़ा दी गई है। आप देखिए केमिस्ट्री में इस बार 14% थे जबकि 2020 में ये परसेंटेज 6.7 था। केमिस्ट्री का जो डिफिकल्टी लेवल जो ऑब्जर्व हुआ वो इस बार सेक्शन बी के आने की वजह से हुआ। सेक्शन बी में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कंसेप्चुअल थे और कंसेप्चुअल होने की वजह से उनकी डिफिकल्टीज को बढ़ा दिया गया। वैसे केमिस्ट्री में जनरली नेम रिएक्शन उतनी नहीं आती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने नेम रिएक्शन पूछा था, जैसे गेटरमैन कोच के बारे में पूछा था, इटार्ड रिएक्शन के बारे में पूछा था, मैकेनिज्म के नाम पे उन्होंने ज्यादा नहीं पूछा। ठीक है, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक को लेके। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं डिफिकल्टीज की बात करूं तो जहां मुझे फील हुआ कि एक क्वेश्चन आया था के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था, क्वेश्चन था बहुत सिंपल बट वहां पे जो ऑब्जर्वेशन थी कैलकुलेशन थोड़ी टफ थी, इस वजह से क्वेश्चन को अपन लोग डिफिकल्टी में डालने लग गए। ठीक है, मीडियम की बात करें तो मीडियम इस बार देख सकते हैं 48% है, पहले 38% था। ओवरऑल अगर आप ऑब्जर्व करो तो ईजी इस बार 38% है और पिछली बार ईजी कुछ ज्यादा ही थे। तो कहीं ना कहीं ये बात तो फैक्ट है कि अगर मैं 2020 से 2021 को कंपेयर करता हूं तो ये जरूर है कि हाँ यार 2021 का केमिस्ट्री का पेपर 2020 के कंपेयर में थोड़ा सा टफ आया है। ठीक है, इसके पीछे एक ही रीजन रहा जो हमने ऑब्जर्व किया वो ये है कि सेक्शन बी का ऐड होना। सेक्शन बी ने कुछ ना कुछ लेवल तो जरूर बढ़ाएंगे। आपको सेक्शन बी में से 15 में से 10 क्वेश्चन करने थे, अगर उन्होंने मल्टीपल आपको चांस दिया इसका मतलब वो लेवल का भी चांस बढ़ाने वाले थे, जो कि एक्सपेक्टेड था। ये टीम हमारी पहले से एनालिसिस करके बैठी थी कि हाँ इस बार पेपर थोड़ा सा टफ आना भी है। दूसरा, कोरोना इंपैक्ट की वजह से आपको टाइम और ज्यादा मिल गया। अब जब अगर आपको टाइम मिलेगा तो उनको भी मौका मिलेगा पेपर का लेवल इंक्रीज करने के लिए। इस वजह से जो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है वो पेपर थोड़ा सा 2021 का एज कंपेयर टू 2020 थोड़ा सा ज्यादा टफ था। ठीक है, अब इसके बाद मैं संजीव सर को इन्वाइट करूंगा कि संजीव सर आए और प्लीज फिजिक्स के एनालिसिस के बारे में डिस्कस करें। प्लीज संजीव सर। हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? तो हम लोग अभी नीट पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं। जैसा कि आपने केमिस्ट्री में देखा वैसा ही कुछ सीन आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे लास्ट ईयर से अगर जो हम लोग पेपर को कंपेयर करें तो देख सकते हैं कि लास्ट ईयर के रेस्पेक्टिवली इस बार पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। लास्ट ईयर 20 में जो पेपर था वो काफ़ी आसान था। इस बार तीनों सब्जेक्ट की बात करें, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की, तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल सबसे ज़्यादा तुमको फिजिक्स को देखने को मिलेगा, जैसा कि हर साल होता था। लेकिन लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि जो अपना फिजिक्स का पेपर था वो ओवरऑल आसान था, लेकिन इस बार वो चीज़ फिर से चेंज हो गई और फिजिक्स का डिफिकल्टी लेवल फिर से बढ़ गया। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 11th क्लास और 12th क्लास का ये भी थोड़ा सा सिनेरियो इस बार चेंज हुआ, ज़्यादा
जनरली होता क्या था कि 40 और 60 का एवरेज होता था। जनरली क्या करते थे कि 40% हमारा 11th का पोर्शन होता था और 60% हम लोग 12th से कंसीडर करते थे, और जनरली हर एग्जाम में ऐसा ही होता था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा किया गया कि जो पेपर था वो ओवरऑल अपना 12th का परसेंटेज जो था वो बढ़ा दिया गया, ठीक है। ओवरऑल क्वेश्चंस जो थे वो 12th से बढ़ गए, 11th से अपने क्वेश्चंस क्या हो गए, डिक्रीज कर गए। अगर जो हम लोग टॉपिक वाइज एनालिसिस की बात करें तो 12th का अपना टॉपिक है करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, या इसको हम कंप्लीट यूनिट के नाम से जाने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हमेशा से इससे ज्यादा सवाल आते थे, लेकिन इस बार तो बहुत ही ज्यादा सवाल आ गए। ओवरऑल 20 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर यूनिट से पूछ लिए गए, जिसमें से दोबारा कौन कौन सा टॉपिक आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, कैपेसिटर हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ईएमआई हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स से मिला के अपना जो है 20 क्वेश्चंस थे। मैकेनिक्स की बात करें, ओवरऑल जनरली हम बात करते हैं कि इससे जो है 6 से 8 सवाल आते हैं। इस बार ओवरऑल मैकेनिक्स से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या 12 हो गई। ये नंबर बढ़ने के पीछे एक रीजन और है, अभी तक क्वेश्चन अपने जो थे वो केवल 45 आते थे, और अभी इस बार क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी बढ़ा दी गई, इस वजह से एक थोड़ा सा नंबर और इंक्रीज करता आपको दिखाई देगा। ऑप्टिक्स की बात करें तो हमेशा जो है 4 से 5 सवाल ही आते थे, इसका रेशियो एकदम फिक्स है, और रेशियो लास्ट ईयर से एकदम सेम ही बैठ सकता है कि लास्ट ईयर भी 3 से 4 सवाल आए हुए थे, इस बार भी 3 से 4 सवाल ऑप्टिक्स से दिए गए हैं। अगले हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स की। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी एनालिसिस में थोड़ा बहुत चेक किया होगा कि मॉडर्न फिजिक्स का जो एवरेज होता है ये 6 से 7 सवाल या 5 से 7 सवाल की रेंज ले सकते हैं, तो इस बार भी 5 सवाल आए। थर्मल फिजिक्स की बात करें तो 2 से 3 सवाल, इसका भी रेशियो एकदम ठीक है। अदर्स में मैं उनको काउंट करता हूँ, मान लो अपने कुछ प्रैक्टिकल फिजिक्स के सवाल थे या कुछ ऐसे सवाल जो 11th और 12th से मर्ज करके बनाए गए, मान लो क्वेश्चन 12th का है और कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है 11th का लग रहा है। कई सारे इस बार ऐसे सवाल देखने को मिले जिस वजह से अपने को लग रहा है कि सर 12th का पोर्शन ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि अपना 11th का पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट 11th का पड़ा हुआ है, तो अपने को ऐसा नहीं पढ़ना है कि सर 12th से ज़्यादा आता है तो हम लोग 12th को कवर कर लेते हैं और 11th को स्किप कर देते हैं। 11th को बिना पढ़े हम 12th को सही से कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी 12th के क्वेश्चन थे वो सब 11th से लिंक हो रहे थे, ठीक है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशी, योर बॉटनी मेंटोर। हेलो, आई एम ज्योति, जूलॉजी मेंटोर। सो आई होप आप सभी अभी रिलैक्स हो गए, जितना आप सब इतने टाइम से वेट कर रहे थे नीट के एग्जाम का, फाइनली आपका नीट का एग्जाम हो गया है, आपको बहुत सारा टाइम भी मिला था प्रिपरेशन का। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। सो अभी आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के एनालिसिस अभी धीरेन्द्र सर और संजीव सर ने करी है, सो अभी हम बॉटनी और जूलॉजी की एनालिसिस करेंगे। सो टू बिगिन विद, ओके, सो सबसे पहले पाई चार्ट आप देख सकते हो, इसमें आपको दे रखे परसेंटेज की क्लास 11th और क्लास 12th से कितने क्वेश्चन आए थे, राइट। सो क्लास 11th से आपके पास 52% क्वेश्चन आए थे एंड क्लास 12th से आपके पास 48% क्वेश्चन आए थे। आई थिंक ये बट ऑब्वियस था कि क्लास 11th से आपके पास ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज क्लास 11th में आपके 22 चैप्टर्स थे, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें ऑलमोस्ट एवरी ईयर जिन यूनिट्स में से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। और मैम, एज प्रिडिक्टेड, जैसे हमने पिछली अपनी वीडियो में भी बताया था कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ऐसा हुआ है। और ऐसा हमने प्रिडिक्ट किया था पहले भी कि जो पार्ट टू होगा, जो बी सेक्शन होगा, उसका बॉटनी और जूलॉजी का, वो थोड़ा सा एनालिटिकल आने वाला है, उसमें आपको थोड़े से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने थे। तो जो ए वाला पार्ट है वो बहुत ही इजी और मॉडरेट लेवल था, और जो बी सेक्शन था वो थोड़ा सा एनालिटिकल था, राइट। सो ये हमें पहले से भी पता था कि अगर सेक्शन टू सेक्शंस में डिवाइड हो रहा है तो सेक्शन ए, बट ऑब्वियस था कि वो कंपैरेटिवली इजी होगा एज कंपेयर टू सेक्शन बी, राइट। सो ऑल्दो आपके जो क्वेश्चंस थे इस बार बायोलॉजी के, लास्ट ईयर की तरह नहीं था, इस बार बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस बॉटनी और जूलॉजी में डिवाइडेड थे कम सेपरेटली, बट स्टिल बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे, ऑलमोस्ट 40-50% क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मिक्स थे, मतलब कि जो बॉटनी में भी पूछे गए थे और जो जूलॉजी में भी पूछे गए थे। हम चैप्टर्स डिवाइड कर लेते हैं ना कि भाई ये चैप्टर्स बॉटनी के हैं और ये जूलॉजी के हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि भाई बॉटनी में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स में से आएंगे और जूलॉजी में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं चैप्टर्स में से आएंगे। अब की बार इन्होंने किया क्या है कि एक चैप्टर में से जो प्लांट का सेक्शन है वो बॉटनी में पूछा है, और उसी चैप्टर में से जो एनिमल का सेक्शन है वो जूलॉजी पोर्शन में पूछा गया है। जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें हम सेल साइकिल में से बॉटनी में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अगर सेम सेल साइकिल में से अगर मैं क्वेश्चन एनिमल के लिए
जूलॉजी के लिए करूं, तो उन्होंने सिर्फ इतना ऐड कर दिया कि फ्रूट फ्लाई के अंदर एस फेज में कितने क्रोमोसोम्स रह गए हैं, तो उन्होंने सेम चीज एनिमल के साथ लिंक करके जूलॉजी में क्वेश्चन डाल दिया है। मतलब ऐसे मिक्स मैच क्वेश्चन आए, आप ये नहीं कह सकते कि ये चैप्टर सिर्फ बॉटनी का है, ये चैप्टर जूलॉजी का है, तो मिक्स मैच है। हाँ, सिर्फ इतना कह सकते हैं जैसे जो प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी है वो प्रॉपर बॉटनी और जूलॉजी। राइट, प्लांट फिजियोलॉजी कम्प्लीटली बॉटनी में आई थी, ह्यूमन फिजियोलॉजी कम्प्लीटली जूलॉजी में आई थी, सॉरी। बट जो मिक्स चैप्टर थे, आप जब चैप्टर रीड भी करते हो इनफैक्ट एनसीईआरटी से, तब भी आप देखते हो कि उसमें साफ साफ लाइन में लिखा होता है कि प्लांट सेल में ये डिफरेंस है, एनिमल सेल में ये डिफरेंस है, या फिर प्लांट्स के केस में हमें ये मिलता है, एनिमल के केस में हमें ये डिफरेंस मिलता है। तो सेम उन्होंने क्वेश्चन में भी अप्लाई करा, बॉटनी के सेक्शन में उन्होंने वही सेम टॉपिक से क्वेश्चन बना के डाला और जूलॉजी के सेक्शन में भी सेम टॉपिक से जूलॉजी का क्वेश्चन डाला। सो आप देख सकते हो इधर ये कुछ यूनिट्स थी, कुछ टॉपिक्स थे जिसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें जेनेटिक्स से पूछे गए थे। जेनेटिक्स में से आपके पास मिक्स क्वेश्चंस थे, दैट इज 11 क्वेश्चंस जो बॉटनी में भी पूछे गए थे मिक्स करके और जूलॉजी में भी पूछे गए थे। ओके, सो नेक्स्ट दिस इज एनालिसिस ऑफ बॉटनी। बॉटनी में अब आपको टॉपिक वाइज बताया है कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे। सो आपका फर्स्ट टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास प्लस वन का यूनिट टू है, उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें से आपके पास 2 क्वेश्चंस आए थे, बॉटनी में आपसे पूछे गए थे 2 क्वेश्चंस मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से। नेक्स्ट वी हैव एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, अगेन फ्रॉम यूनिट 2 क्लास प्लस वन, इसमें आपसे पूछे गए थे 3 क्वेश्चंस, राइट। तो मतलब कि जो यूनिट 2 है इसमें से आपके पास मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को मिला के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। नेक्स्ट वी हैव प्लांट फिजियोलॉजी। एज यूजल प्लांट फिजियोलॉजी में से आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्लांट फिजियोलॉजी में से आपके आपसे 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, और हमेशा ऐसे ही होता है बॉटनी के केस में, प्लांट फिजियोलॉजी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और जूलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। सो यू कैन सी इस बार भी ऐसे ही हुआ, प्लांट फिजियोलॉजी से आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट वी हैव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आपका चैप्टर नंबर 2 है फ्रॉम क्लास प्लस 2, इसमें से आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है। नेक्स्ट वी हैव प्लांट डाइवर्सिटी। प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें से आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए। प्लांट किंगडम में से इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, राइट। ऑल्दो ये चैप्टर्स बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, और क्वेश्चंस सारे के सारे एनसीईआरटी में से थे, आपको एज इट इज लाइन एनसीईआरटी में मिलेगी। सो आई होप सभी के क्वेश्चंस ठीक हुए होंगे। नेक्स्ट वी हैव सेल बायोलॉजी एंड सेल डिवीजन। सेल बायोलॉजी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल डिवीजन, इसमें से भी आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस थे सेल बायोलॉजी से भी। नेक्स्ट वी हैव बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर भी मुश्किल है, और उसमें से आपसे 2 ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इसमें जो इस बार क्वेश्चन पूछा गया था वो अगेन टेबल में से था, हम सॉल्यूशन भी लेके आएंगे इसके, वो अगेन जितना हमेशा प्रीवियस ईयर में भी ऐसे ही होता है, सिमिलर सी आपकी टेबल है बायोमोलिक्यूल्स में जिसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वगैरह दे रखे हैं, उसी से ही आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था। सो बायोमोलिक्यूल्स में से आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछे थे। नेक्स्ट वी हैव जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में से भी आपको पता है कि ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, और 5 क्वेश्चन हमसे जेनेटिक्स में पूछे थे। जेनेटिक्स आपके प्लस 2 में है, उसमें आपके 2 चैप्टर थे, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट वी हैव इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से हमारे पास सिर्फ 1 ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, अगेन प्लस 2 क्लास से, इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स ये दोनों प्लस 2 के चैप्टर्स है, और इन दोनों से प्लस 2 में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्लस 2 में जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस 1 में प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी से हमारे पास 7+5, ये तो जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी से हो गए प्लस 2, एंड प्लांट फिजियोलॉजी से प्लस 1 से 8 क्वेश्चंस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्लस 1 में प्लांट फिजियोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और प्लस 2 में जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। एंड लास्ट वी हैव इकोलॉजी। इकोलॉजी में से भी इकोसिस्टम चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे इस बार। इकोलॉजी सब बच्चे इतना ध्यान से नहीं सुनते हैं, सबको लगता है इजी है, बट आप देख सकते हो कि उसमें से 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। सो बॉटनी के ये क्वेश्चंस थे, उसमें से जो लेवल था बॉटनी के क्वेश्चंस का सेक्शन ए सेक्शन बी में ठीक था। बायोमोलिक्यूल्स को हम कह देते हैं ना कि भाई ये तो एक प्लांट फिजियोलॉजी, एक बॉटनी का सब्जेक्ट है, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स में जूलॉजी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, हमने उसके क्वेश्चंस उधर ही मेंशन कर दिए हैं,
अदरवाइज आप अगर सेक्शन देखोगे ना तो वहां पे जुआलॉजी और बॉटनी में दोनों में बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों में ही सेल डिवीजन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एज प्रिडिक्टेड ह्यूमन फिजियोलॉजी में से 12 क्वेश्चंस, ये तो प्रिडिक्टेड था ही, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी तो एक बहुत ही ज्यादा, और ये भी बोला गया था कि भाई जो प्लस वन इज प्रिडिक्टेड जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, और तो और जो एनिमल किंगडम है उसमें से भी मैक्सिमम 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। तो आप ये देख सकते हो कि कैसे आपकी अब की बार जो बॉटनी है और जुअलॉजी है उसमें उन्होंने सिर्फ एनिमल्स और प्लांट के क्वेश्चंस अलग किए हैं, दे हैव नॉट सेपरेटेड द चैप्टर्स। तो आपने अपनी जो प्रेपरेशन है उसी बेस पे करनी है, आपके हर एक क्वेश्चन इसके सॉल्यूशंस मैं और मैम लेकर आएंगे बॉटनी एंड जुअलॉजी के। तो आप देखोगे तो हर एक सॉल्यूशन आपकी एनसीईआरटी बेस्ड लाइन है, प्रॉपर एज इट इज लाइन आपको क्वेश्चन के बेस में पूछी गई है और उसके लिए आपने आंसर उसमें टिक करना था। जो ऐसा बचा है जिसने एनसीईआरटी अच्छे से रट ली है, समझ भी ली है, ऑब्वियसली एक समझने का लेवल होता है उसके बाद हमें चीजें रटनी पड़ती है क्योंकि पेपर क्लियर करने के लिए चीजें रटनी जरूर पड़ती हैं। हाँ, समझते भी हैं बच्चे। तो जिसने वो एनसीईआरटी अच्छे से रट ली है तो उसका तो ये नीट मेरे हिसाब से बायोलॉजी का सेक्शन अगर मैं बोलूंगी तो बायोलॉजी का सेक्शन बहुत इजी था। अगर मैं इजी डिफिकल्टी लेवल की बात करूं कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे थे, तो लास्ट टाइम 2020 में क्या हुआ था, बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे क्योंकि इस बार इन्होंने पैटर्न भी चेंज कर दिया है जिसमें ए और बी सेक्शन कर दिया है। तो ऑफ कोर्स ये होना ही था कि जो बी सेक्शन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट उन्होंने बनाना ही था। अगर मैं बॉटनी और जुअलॉजी को कंपेयर करूं तो उस केस में जो जुअलॉजी है उसमें ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो जुअलॉजी है उसमें थोड़े आपको एनालिटिकल क्वेश्चन भी हैं, दैट मींस आपने जो आपकी थ्योरी है जो एनसीईआरटी में थ्योरी दी हुई है वो आप डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं, कई क्वेश्चन इस बेस पे भी पूछे गए थे। और अगर हम सेक्शन ए और सेक्शन बी की मैं बॉटनी की बात करूं, सेक्शन ए में कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बॉटनी में जीरो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। इन सेक्शन ए मैक्सिमम क्वेश्चन इजी थे, मीडियम क्वेश्चन थे और जीरो डिफिकल्ट क्वेश्चन था। और जो सेक्शन बी था उसमें हमारे पास 2-3 डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, कुछ मीडियम क्वेश्चन थे और कुछ ईजी क्वेश्चन भी थे। और जो मीडियम क्वेश्चन थे वो भी मीडियम क्यों थे, बिकॉज उसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन थे वो मैच द कॉलम के फॉर्म में पूछे हुए थे और मैच द कॉलम ऐसा नहीं था कि मैच द कॉलम है, और मैच द कॉलम जो है वो एलिमिनेशन मेथड से बिल्कुल ही आपको क्लियर हो रहा था। जैसे आपको अगर एक भी आंसर पता है तो उस आंसर से आप बाकी के 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट आराम से कर पा रहे थे। तो मैथ का कॉलम हमेशा ट्रिकी होते हैं, बट इस बार ऐसा नहीं था। मैथ का कॉलम के चक्कर में आपको टाइम लगा होगा उसको सॉल्व करने में, बट वो इजी था कंपैरेटिवली। सो सेक्शन ए में तो कुछ डिफिकल्ट था ही नहीं। तो दैट इज ऑल, ये थे हमारे इजी, मीडियम और डिफिकल्टी बेस पे हमने क्वेश्चंस को जो डिवाइड किया था। हम जल्द ही इसके सॉल्यूशंस के साथ भी आने वाले हैं और इसी के बेसिस पे, इस एनालिसिस के बेसिस पे, ऑल्दो आप पहले भी एनालिसिस देखते होगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखते हैं, हर एक स्टूडेंट देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो आप इसी के बेसिस पे देख सकते हो कि आपने कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, कौन से यूनिट पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है, किस यूनिट पे कितना टाइम लगाना है, राइट। सो ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच फॉर ड्रॉपर बैच। So for this, you can contact our academy. For fee structure or for any scholarship updates, you can contact our academy and you can also message on WhatsApp by this number. So this is all. Thank you so much for watching.